इलेक्ट्रिकल एस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग उस सब्जेक्ट्स के जो न्यूमेरिकल्स है, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन या फिर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन या फिर फैक्ट्री इंस्टॉलेशन। तो आज हम लोग जो देखेंगे रेसिडेंशियल या डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का एक न्यूमेरिकल। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है, एग्जाम्पल वन, देयर आर फोर लाइट पावर सब सर्किट इन एन इंस्टॉलेशन ऑफ ए हाउस वायरिंग, ऑन ऑफ देम इज अ सब सर्किट फॉर 15 एम्पियर सॉकेट, ड्रॉ द सिंगल लाइन डायग्राम शोइंग कटआउट मीटर मेन स्विच मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड अदर इक्विपमेंट, मेक योर ओन एजम्पशन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट इन ईच सब सर्किट एंड फाइंड आउट द रेटिंग ऑफ मेन स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो सोल्यूशन, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमको क्या निकालने बोला है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है कि चार जो है सब सर्किट है लाइट और पावर मिला के, है ना, हाउस वायरिंग में, उसमें जो है ऑन ऑफ देम इज ए सब सर्किट फॉर 15 एम्पियर सॉकेट, उसमें एक है 15 एम्पियर सॉकेट। तो हमको ड्रॉ करने के लिए बोला है कि सिंगल लाइन डायग्राम जिसमें हमारा कटआउट रहेगा, मीटर रहेगा, मेन स्विच बोर्ड रहेंगे और अदर इक्विपमेंट्स जो है वो सिंगल लाइन डायग्राम में अपने को शो करना है। तो उसमें जो भी अपने को कुछ एजम्पशन करना है जैसे कि वोल्टेज लेवल क्या है या फिर तो वो जो है अगर गिवन नहीं देखे है तो उसको स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो अपने को एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो अपने को सिंगल लाइन डायग्राम और साथों साथ रेटिंग ऑफ मेन स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में गिवन देखे हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द टोटल लोड ऑफ ऑल द फोर सब सर्किट इन एम्पियर विल बी एज अंडर। तो सबसे पहले सब सर्किट नंबर वन लाइट पॉइंट 2 × 60, अब ये जो है 60 वाट पकड़ा है ना, तो 60 वाट पकड़ा है तो ये एजम्पशन है, कहीं पे क्वेश्चन में देखे नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन में देखे है कि चार सब सर्किट है और उसमें एक 15 एम्पियर सॉकेट भी है, तो ये सब जो है एजम्पशन है, अपने को एजम करके खुद से ही लेना है। तो इसमें अगर हमने कुछ एक आध पॉइंट कम लेंगे या ज़्यादा लेंगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा, राइट ही होगा। ठीक है, तो पहला जो है लाइट पॉइंट, जैसे कि इसमें एजम किया गया है दो लाइट पॉइंट है इंटू 60 वैट, दैट इज़ 120 वैट, फैन जो है दो फैन है 60 वैट 120 वैट एंड सॉकेट इज़ 5 एम्पियर, तो फोर सॉकेट इंटू 60 240 वैट। ठीक है, तो टोटल कनेक्टेड लोड जो है इसमें 480 वैट। तो इसमें जो है एक चीज़ जो है यहाँ पे जो देखे हैं 60 वैट, इसको अगर हम लोग 100 वैट ले, दिख रहा है हमें 60 वैट, तो 5 एम्पियर सॉकेट अगर है तो हम लोग 100 वैट ले सकते हैं, फैन पॉइंट जो है वो 60 वैट ही है, लाइट जो है अपने कन्वीनियंस से जैसे एलईडी है या सीएफएल है तो 60 वैट ले सकते हैं। तो ये सब एजम्पशन है, कहीं पे गिवन नहीं है। तो इसमें है लोड 480 वैट पहला सर्किट में। अब सेकंड सर्किट में लाइट पॉइंट 5 पकड़ा है 60 वैट का, 300 वैट, फैन 2 60 वैट 120 वैट, सॉकेट 5 एम्पियर सॉकेट 2 60 वैट 120 वैट, दैट इज़ टोटल 540 वैट। थर्ड सर्किट में लाइट पॉइंट 2 60 वैट 120 वैट टोटल, फैन 3 इंटू 60 वैट दैट इज़ 180 वैट एंड सॉकेट जो है 5 एम्पियर सॉकेट दैट इज़ 3 इंटू 60 और वो जो है हमारा 180 वैट। तो टोटल कनेक्टेड वैट जो है वो 480 वैट। अब फोर्थ जो सर्किट है उसमें सब सर्किट ऑफ 15 एम्पियर सॉकेट, और उसमें जो है 15 एम्पियर सॉकेट अगर है तो उसको हम लोग 1000 वैट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल कनेक्टेड लोड फॉर ऑल द फोर सब सर्किट इन द हाउस, चारों सर्किट का टोटल लोड कितना होगा, जैसे कि पहले सर्किट में 480 वैट, दूसरे सर्किट में 540, तीसरे सर्किट में 480 एंड लास्ट जो है सब सर्किट जो है 15 एम्पियर सॉकेट का वो है 1000 वैट और टोटल जो है हमारा 2500 वैट। अब जो है अब ये टोटल लोड हो गया है, अब उसको टोटल करंट कितना आएगा, टोटल एम्पियर कितना लगेगा, तो उसको पावर का फॉर्मूला अपने को मालूम है P इज इक्वल टू V इन टू I एंड दैट मीन्स I इज इक्वल टू P बाई V और P जो है पावर दैट बाय
पावर बाय वोल्टेज, और पावर जो है टोटल हमारा 2500, और वोल्टेज जो है एज्यूम किया है 230 वोल्ट। हम अगर 240 लेते हैं तो भी रॉन्ग नहीं है, राइट है। तो एजम्पशन जो भी करेंगे ऊपर में गिवन में मेंशन कर देना है कि अपन इतना कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका जो आता है वो 11 एम्पियर आया, ठीक है। टोटल लोड का जो एम्पियर है करंट वो 11 एम्पियर है। तो ये लोड ऑफ 11 एम्पियर शल हैव टू बी कैरिड बाय द मेन स्विच। तब ये जो है हमारे मेन स्विच से ये 11 एम्पियर करंट जाना चाहिए, इसलिए मेन स्विच का रेटिंग जो रहेगा 11 एम्पियर से ज़्यादा रेटिंग का होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा। इफ़ ऑल द पॉइंट आर पुट टू वन पोजिशन, ठीक है। देयर फोर कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ए मेन स्विच ऑफ हायर रेटिंग इज सजेस्टेड। तो 11 एम्पियर तो अभी कनेक्टेड लोड है, और फ्यूचर में अगर एक्सपेंशन वगैरह होता है तो इसलिए 11 एम्पियर से ज़्यादा का रेटिंग का हमको जो मेन स्विच है वो लेना पड़ेगा। ए आयरन क्लैड मेन स्विच रेटेड 30 एम्पियर 250 वोल्ट ग्रेड इज देयर फॉर सजेस्टेड। तो समझ गए होंगे कितना रेटिंग का हमारा मेन स्विच होगा। उसके बाद SLD की बात है, तो SLD ये बना के है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ये दिख रहा है तुम्हारा सप्लाई, उसके बाद है ये कटआउट, फिर एनर्जी मीटर। तो ये कहीं पे भी SLD अगर आता है रेसिडेंशियल या डोमेस्टिक के लिए, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। सबसे पहले सप्लाई के बाद कटआउट आता है, कटआउट के बाद एनर्जी मीटर आएगा, उसके बाद तुम्हारा मेन स्विच आएगा, मेन स्विच, और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक। उसके बाद फाइनल सब सर्किट, जैसे इसमें दिया गया था चार सब सर्किट है, 1, 2, 3, 4। तो ये तुम्हारा कनेक्टेड लोड दिया हुआ है कि 2, 2, 4, 4 जो है 5 एम्पीयर सॉकेट, 2 लाइट 2 फैन, इसमें 5 लाइट 2 फैन और 2 5 एम्पीयर सॉकेट, इस प्रकार से ये कंसिडर किया गया है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक हम लोग अगर ड्रॉ करें तो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सिंपल से न्यूमेरिकल जो है वो समझ गए होंगे, और ये जो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में कोई एग्जैक्ट नहीं रहेगा, किसी सबका अलग अलग रहेगा, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन द एजम्पशन दैट टेकन बाय एन इंडिविजुअल। जो हर एक व्यक्ति जो है इंडिविजुअली क्या एज्यूम कर रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, उसका लोड कितना आएगा, करंट कितना आएगा, स्विच बोर्ड का रेटिंग क्या आएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो SLD है वो सेम रहेगा, डोमेस्टिक अगर है तो यही रहेगा कि सप्लाई के बाद कटआउट रहेगा, कटआउट के बाद मीटर रहेगा, एनर्जी मीटर, उसके बाद तुम्हारा मेन स्विच बोर्ड रहेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहेंगे, उसके बाद फिर सब सर्किट रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो।